दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। देश में पहली बार सीएम पद पर रहते हुए किसी पर ऐसी कार्रवाई हुई है। इसी साल 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, पर उससे पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी के 10 अफसर की टीम ने केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ के बाद रात करीब 9 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान केजरीवाल और उनके परिजनों का फोन जब्त कर लिया गया था। सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए और हंगामा किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया गया। ईडी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वकीलों की टीम देर रात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंची। मंत्री आतिशी अमारलेना ने कहा, वकील तत्काल सुनवाई का अनुरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर सकता है।